हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सेव टेक स्मार्ट। तो फ्रेंड्स, काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आज फाइनली मैं लेके आ गया हूँ एचपी i3 12 जनरेशन लैपटॉप। जी हाँ, सच में एचपी ने लॉन्च कर दिया है ये 15S FQ5007TU। आज इसी की करेंगे एक्सक्लूसिव अनबॉक्सिंग और सबसे बड़ी बात देखते हैं कि क्या ये लैपटॉप बेहतरीन परफॉर्म कर पाता है या नहीं, जो कि सारे i3 12 जनरेशन नहीं कर पाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बॉक्स को ओपन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी प्रकार टेक से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं। इस लैपटॉप की अगर मैं मैन्युफैक्चर डेट की बात करूं तो अभी रिसेंटली में ये वाला मॉडल लॉन्च हुआ है और जो बॉक्स पे एमआरपी दी हुई है वो है 55,202 रुपीज। वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगा कितने रुपए का मिल जाएगा। तो फटाफट बॉक्स को कर लेते हैं ओपन। बॉक्स कंटेंट की बात करें तो वही इको फ्रेंडली यूजर मैनुअल मिल जाती है और फ्रेंड्स वही 65 वोल्ट का एसी पावर एडाप्टर दिया हुआ है और फ्रेंड्स एक लास्ट में मिल जाती है प्रीमियम क्वालिटी की पावर कॉर्ड। तो फ्रेंड्स, ये लैपटॉप का फर्स्ट लुक और इसके फिजिकल ओरियो की बात करूं तो सेंटर में एचपी का लोगो दिया हुआ है, नेचुरल सिल्वर कलर के साथ आता है। प्रीवियस जनरेशन से अगर मैं बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की बात करूं तो सेम ही आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी काफी ऑसम दी हुई है, टोटल हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। इसी के साथ इस लैपटॉप का वेट भी करके देख लेते हैं और इस लैपटॉप का वेट मिल जाता है 1.6 kg। इसी के साथ इस लैपटॉप के पोर्ट्स भी देख लेते हैं कौन कौन से दिए हुए हैं। तो लेफ्ट साइड में पावर इनपुट का पोर्ट दिया हुआ है, 2 USB 3.2 Type-A के पोर्ट मिल जाते हैं और राइट साइड में HDMI 1.4 पोर्ट दिया हुआ है, 1 USB 3.2 Type-C पोर्ट दिया हुआ है जिसे फास्ट डाटा ट्रांसफर में यूज कर पाओगे। LED इंडिकेटर्स दी हुई है, 3.5mm ऑडियो जैक और लास्ट में मिल जाता है SD कार्ड रीडर स्लॉट। और वहीं बॉटम में 2 रबर ग्रिप दी हुई है जो आपके लैपटॉप में कल खासा स्पेस बनाए रखती है और काफी सारा एयर वेंट मिल जाता है और इस लैपटॉप में आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है। और लैपटॉप को सिंगल हैंड से ओपन करके देखता हूं तो फ्रेंड्स, यहां लैपटॉप में आपको दो हाथ लगाने ही रहेंगे और जैसे कि आप देख सकते हो इसके हिंज की क्वालिटी काफी अच्छी दी हुई है और स्क्रीन बबल भी आप देख सकते हो काफी कमी देखने को मिल रहा है और आगे की तरफ आपको एयर एग्जॉस्ट दिया हुआ है और कीबोर्ड में फ्लेक्स भी मेरे को ना के बराबर ही देखने को मिल रहा है। तो फटाफट इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लैपटॉप का बूट सेटअप कर लिया है और बूट सेटअप होने में वही अराउंड 3 से 4 मिनट का टाइम लगा है। सबसे पहले इस लैपटॉप के हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं क्या क्या दिए हुए हैं। तो सीपीयू की बात करूं तो 12 जनरेशन कोर i3 1215U प्रोसेसर दिया हुआ है जिसकी बेस क्लॉक स्पीड 1.2 GHz और इंटेल टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी से 4.4 GHz तक यूज कर सकते हो। 6 कोर और 8 थ्रेड और 10 MB की कैश मेमोरी दी हुई है। वहीं फ्रेंड्स, मैं इसके अगर परफॉर्मेंस और एफिशिएंस स्कोर की बात करूं तो 2 परफॉर्मेंस स्कोर और 4 एफिशिएंस स्कोर मिल जाते हैं और यह प्रोसेसर 55 वोल्ट की TDP पे वर्क करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं मेमोरी की तरफ तो 8GB की DDR4 3200 MHz की रैम दी हुई है सिंगल चैनल की और आप इसे एक्सटेंड कर सकते हो 16GB तक और जो कंपनी है वो सैमसंग की दी हुई है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टोरेज ऑप्शंस की तरफ तो 512GB की PCIe NVMe Kioxia कंपनी की SSD दी हुई है और अगर आपको स्टोरेज को अपग्रेड करना है तो 512GB को रिमूव करके 1TB तक आप एक्सटेंड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, रीड एंड राइट स्पीड की बात करो तो रीड स्पीड 988 MBPS और राइट स्पीड 655 MBPS मिल जाती है। वहीं कनेक्टिविटी की बात करूं तो वाईफाई 5 और ब्लूटूथ 5.0 दिया हुआ है तो आपको इंटरनेट की काफी अच्छी स्पीड मिल जाएगी। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, डाउनलोड और अपलोड स्पीड काफी अच्छी मिल रही है। और फ्रेंड्स, लास्ट में कर लेते हैं GPU की बात तो इंटेल USD ग्राफिक्स दिया हुआ है, 4GB की शेयर्ड मेमोरी के साथ आता है तो देखेंगे ग्राफिकली परफॉर्मेंस कैसे क्या देखने को मिलती है। और फ्रेंड्स, अब उस टॉपिक पे बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं हर बार HP से नाराज होता था, लेकिन फाइनली फ्रेंड्स 2022 में HP ने मेरी बात सुनी ली है। डिस्प्ले की बात करें तो 15.6 इंच की
1080p IPS एंटी ग्लेयर डिस्प्ले दी हुई है, जिसकी ब्राइटनेस 250 निट्स है और कलर गेमट 45% NTSC मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, डिस्प्ले के साथ आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना रहेगा और आप देख सकते हो 3 साइड नैरो बेजल्स दिए हुए हैं और आगे की तरफ भी आपको HP की ब्रांडिंग दी हुई है और आगे की तरफ भी आपको फ्रंट फायर स्टीरियो स्पीकर दिए हुए हैं 22 वाट के। तो मैं आपको एक ऑडियो की क्वालिटी भी टेस्ट करा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने भी आपको ऑडियो की क्वालिटी टेस्ट कराई, ऑडियो की क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर मैं प्रीवियस जनरेशन से कंपेयर करूँ ना ऑडियो की क्वालिटी, तो मुझे इस 12 जनरेशन में बेटर ऑडियो क्वालिटी सुनने को मिली। इसी के साथ अगर मैं इस लैपटॉप के कीबोर्ड की बात करूँ तो फुल साइज नेचुरल सिल्वर कीबोर्ड दिया हुआ है, साथ ही आपको नमपैड भी मिल जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हो, की ट्रेवलिंग का स्पेस भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है और यहाँ HP ने 15S i3 लैपटॉप्स में फर्स्ट टाइम बैकलिट कीबोर्ड भी प्रोवाइड करवाया है, तो आप नाइट में भी अच्छे से वर्क कर पाओगे। वहीं इस लैपटॉप के ट्रैक पैड की बात करूँ तो HP इमेज पैड दिया हुआ है, जो मल्टी टच जेस्चर और प्रसिजन टच को सपोर्ट करता है, और मैं इस पे वर्क कर रहा हूं तो कहीं भी मुझे कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही है। वहीं इसके पाम रेस्ट पे आपको प्रोसेसर और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। और फ्रेंड्स, अब टाइम है इस लैपटॉप की परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। डिस्प्ले के साथ तो कोई भी निराशा हाथ नहीं लगी, मुझे यही उम्मीद है कि परफॉर्मेंस के साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज करना ना पड़े। तो मैं उसी सेम फुटेज के साथ मैं इसमें वीडियो रेंडर करने जा रहा हूं, जो मैं हर लैपटॉप में टेस्ट कराता हूं। देखते हैं कैसी क्या परफॉर्मेंस देखने को मिलती है। और इस लैपटॉप से यही उम्मीद है i3 12 जनरेशन के Asus, Dell, Lenovo, उनसे तो यार अच्छा ही परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि मुझे काफी उम्मीद रहती है HP के लैपटॉप से। तो फ्रेंड्स, वीडियो रेंडर हो चुका है और जो टाइम लगा है आपके सामने है 1 मिनट 40 सेकंड है। तो यहां मैं कह सकता हूं डेल, एसुस, लेनोवो, उनमें टाइम लगा था 2 मिनट के अबव, और यहां टाइम लगा है i3 12 जनरेशन HP में 1 मिनट 40 सेकंड है। तो यहां कह सकता हूं कि परफॉर्मेंस फिलहाल काफी शानदार देखने को मिल रही है, और इसकी ग्राफिकल परफॉर्मेंस भी फ्रेंड्स अभी टेस्ट करेंगे, वो वीडियो में आपको पता चली जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने इस लैपटॉप में टैब पे टैब ओपन कर रखे हैं और मुझे ब्राउजिंग में कोई भी लैग देखने को नहीं मिल रहा है। और मैंने इस लैपटॉप में कुछ बेंचमार्क स्कोर टेस्ट किए हैं, सिंगल कोर स्कोर 1435 और मल्टी कोर 3193 दिया हुआ है, और GPU बेंचमार्क में OpenCL स्कोर 6976 मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इस लैपटॉप की ग्राफिकली परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। मैं इसमें GTA 5 गेम प्ले करने जा रहा हूँ HD रेजोल्यूशन पे। देखते हैं कितनी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अभी जो गेम प्ले हो रहा था वो स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ हो रहा था, और अब विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डर भी देखते हैं कितनी क्या फ्रेम रेट देखने को मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब टाइम है इस लैपटॉप की बूटिंग स्पीड टेस्ट कराने का। तो मैं लैपटॉप को बूट कराने जा रहा हूं, तो देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है। 1 2 3
तो फ्रेंड्स लैपटॉप बूट हो गया है और बूट होने में 12 सेकंड का टाइम लगा है और आपको पता है इतना सा टाइम तो लगता है। तो फ्रेंड्स ये थी इस लैपटॉप के वेबकैम की क्वालिटी और आप देख सकते हो मुझे वेबकैम की क्वालिटी ठीक ठाक देखने को मिल रही है और अभी आप जो ऑडियो सुन पा रहे हो वो इसी के माइक्रोफोन से रिकॉर्ड हो रहा है। और फ्रेंड्स मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लैपटॉप 2022 का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग लैपटॉप रहने वाला है क्योंकि मैंने इसकी परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ टेस्ट की है। तो फ्रेंड्स ये था HP का i3 12 जनरेशन लैपटॉप। मैंने इसमें वीडियो रेंडर किया, इंटरनेट ब्राउजिंग के और सारे टेस्ट करके देखे तो फ्रेंड्स परफॉर्मेंस काफी शानदार आपको इस लैपटॉप में मिल जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि मैं हर लैपटॉप में GTA 5 गेम जरूर टेस्ट कराता हूं तो मैंने इसमें GTA 5 गेम प्ले किया था HD रेजोल्यूशन पे। स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ 40 FPS की फ्रेम रेट मिल रही थी और विदाउट स्क्रीन रिकॉर्डर आपको 50 FPS की फ्रेम रेट मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप में नॉर्मल गेमिंग भी कर सकते हो। इस लैपटॉप की अगर मैं बैटरी बैकअप की बात करूं तो 3 cell 41 watt hour की बैटरी दी हुई है तो आपको अराउंड 3 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिल जाएगा। और फ्रेंड्स अब बात करते हैं इस लैपटॉप की प्राइजिंग की। तो अभी HP की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिस्टेड हुआ है 45,000 में। बिलीव नहीं हो रहा है, IPS डिस्प्ले, बैकलेट कीबोर्ड और i3 12 जनरेशन इस प्राइस पे। यहाँ HP ने काफी अच्छा लैपटॉप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स आप इस लैपटॉप में फोटोशॉप, एडिटिंग, कोडिंग, नॉर्मल गेमिंग भी आप आसानी से कर पाओगे जैसा कि मैंने इसमें टेस्ट किया था GTA 5 गेम। और फ्रेंड्स वीडियो लास्ट में इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस लैपटॉप के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताना। और अगर आप लोगों का बजट 45,000 के आसपास है तो बिना किसी डाउट आप इस लैपटॉप के लिए जा सकते हो। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसी प्रकार आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहता हूं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।